हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट राहुल। आप देख रहे हैं कारमेन इंडिया एंड आज जो कार हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं, दिस इज़ द ऑडी Q2। सो अब जब भी आप लोग ये ऑडी का लोगो देखते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है कि ऑडी है तो काफ़ी प्रीमियम कार होगी, इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन मिलेगा, प्रीमियम इंटीरियर्स मिलेंगे, अच्छा ऑडियो सेटअप मिलेगा। जनरली माइंड में यही सब आता है जब भी हम ये ऑडी का लोगो देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रीमियम ब्रांड है। बट ये वाली जो पर्टिकुलर कार है द ऑडी Q2, ये ऑडी इंडिया की सबसे एंट्री लेवल SUV है इंडियन मार्केट के अंदर। एंड इसके अंदर जो सबसे बड़ी शॉर्ट कमिंग है वो ये है कि इसके अंदर हमें जो इंटीरियर मिलता है वो टोटली फैब्रिक इंटीरियर मिलता है। जनरली हमारी जितनी भी ऑडीज़ आती है उसके अंदर हमें लेदर इंटीरियर मिलता है, बट इस कार के अंदर पर्टिकुलरली हमें फैब्रिक सीट्स मिलती है, जो कि सबसे बड़ी शॉर्ट कमिंग है। एंड वो चल के मैं आप लोगों को अब दिखाना चाहूँगा। सो जैसा कि आप देखेंगे हम कार के अंदर आ चुके हैं। सो ये आप देखेंगे ड्राइवर सीट है, पैसेंजर सीट है, दिस इज ऑल फैब्रिक सीट्स। एंड फैब्रिक सीट्स काफ़ी बेसिक सीट्स है, जो कि आप जितनी भी हमारी एंट्री लेवल या बजट कार्स देखेंगे उसके अंदर हमें फैब्रिक सीट्स जनरली प्रोवाइड की जाती है। सो ये कहीं से भी प्रीमियम नहीं लगती कार के अंदर। सो इस कार के अंदर हम इसकी कंप्लीट कस्टमाइज सीट्स आज बनाने जा रहे हैं। जितनी भी हमें सीट्स यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है इसका फैब्रिक सारा का सारा रिमूव किया जाएगा एंड इसके ऊपर प्रॉपर लेदराइट सीट्स को कस्टमाइज़ किया जाएगा विद अ डायमंड स्टिच। सो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगने वाली है हमारी कार। एंड जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड लेआउट है उसके साथ बिल्कुल हम उसको इंटीग्रेट करके बनाएंगे, ताकि सीट्स कहीं से भी ये नहीं लगनी चाहिए कि वो आफ्टर मार्केट है कुछ है। बनने के बाद उसमें बिल्कुल ऐसी फील आनी चाहिए कि वो एज इफ हमें OEM ही कार के साथ प्रोवाइड की गई थी। सो उसी लेवल की सीट्स हम इस कार के अंदर आज मॉडिफाई करने जा रहे हैं। प्लस इंटीरियर के साथ साथ अब जैसे कि आपको पता है कि जितनी भी हमारी प्रीमियम कार्स होती है काफ़ी एक्सपेंसिव है ये वाली, एंड इसकी प्रोटेक्शन के लिए जनरली हम लोग सेरेमिक कोटिंग भी काफ़ी लोग करवाते हैं, काफ़ी लोग PPF के लिए भी ऑप्ट करते हैं। सो इस कार की प्रोटेक्शन के लिए हम इस कार के अंदर PPF एप्लीकेशन भी करने वाले हैं, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। सो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो गाइज, दिस इज फाइनली Day 3 एंड फाइनली हमारा PPF अलॉन्ग विद द सीट कवर्स दोनों का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। एंड सबसे पहले मैं आपको दिखाने जाऊंगा इसके सीट कवर्स। सो चलिए कार के अंदर। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था दैट इस कार के अंदर हम एक कस्टमाइज सीट कवर्स की तरफ जा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं सीट कवर्स की फिटमेंट आपके सामने है, प्रॉपर इसकी सीट्स को कस्टमाइज किया गया। एंड जो कलर स्कीम हमने चूज करी है दैट इज़ ब्लैक एंड सिल्वर, क्योंकि आप जैसे कि देख सकते हैं इसका जो डैशबोर्ड हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है वो ब्लैक कलर का डैशबोर्ड है एंड उसमें सिल्वर कलर का हमें एक्सेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। सो उसी थीम को मेंटेन करते हुए हमने इसके सीट कवर्स भी डिज़ाइन करे हैं, जिसमें हमने पूरे सीट कवर्स को हमें ब्लैक में रखे हैं एंड जो स्टिचिंग आप जितनी भी देख सकते हैं वो सारी सिल्वर कलर की है, तो हमारे इंटीरियर से प्रॉपर मैच भी कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं फिटिंग आपके सामने कहीं से भी आपको कोई रिंकल इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। दिस इज़ अ प्रॉपर H2H कस्टम फिट सीट कवर एंड इज़ वेरी इन हाई क्वालिटी। साथ ही के साथ अगर हम बात करें इसके मैट्स की, तो इसमें हमने कस्टमाइज्ड मैट्स भी इसके अंदर इंस्टॉल करे विच आर कस्टम मेड फॉर ऑडी Q2, जिसकी कवरेज आप देख सकते हैं पूरी एंड टू एंड है। जो साइड की वॉल्स वगैरह आप देखेंगे वॉल्स पे भी आपको कंप्लीट कवरेज मिलेगी। सेम तरीके से आपको पैसेंजर सीट भी देखने को मिलेगी, आपको सारे सीट कवर्स। एंड यही अगर हम आज रियर सीट्स पे, तो रियर सीट्स पे भी जो हमारा यहाँ पे कंपनी आर्मरेस्ट प्रोवाइड करती है उस आर्मरेस्ट को भी कवर किया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं उसको भी प्रॉपर सेम तरीके में कवर आउट किया गया। एंड जो सीट्स है पीछे की मैट्स है सब कुछ आपके सामने, काफ़ी प्रोफेशनली हमने सारा का सारा काम इसके अंदर कैरी आउट किया है। नाउ ये तो हो गया हमारा सीट कवर्स का पार्ट। अब अगर हम आ जाए PPF के ऊपर विच इज़ द पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, तो वो भी इस कार के अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। एंड जो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म हमने इंस्टॉल करी दैट इज़ अ सेल्फ हीलिंग फिल्म, यानी कि अगर हम कोई स्क्रैच जैसी की है, की को लेके भी अगर हम इसके ऊपर पूरा स्क्रैच मार देंगे, आप देख सकते हैं मैं पूरा यहाँ पे की से कर रहा हूँ, तो हल्के फुल्के स्क्रैचेस तो वैसे भी PPF के ऊपर आते ही नहीं। मैं कितना मर्जी इसको रगड़ लूँ आप देख सकते हैं दिस इज़ अ प्रॉपर मेटल की, सो मेटल की से कोई स्क्रैचेस भी नहीं आते। एंड मैं कहता हूँ अगर स्क्रैचेस आ भी जाते तो जैसे आप देख रहे हैं दिस इज ब्राइट सनलाइट राइट नाउ, तो जैसे इसके ऊपर धूप पड़ती है कुछ भी होता है वो सारे सेल्फ हील हो जाते हैं विद इन मिनट्स। एंड उसकी फंक्शनैलिटी कैसे होती है मैं छोटी सी आप वीडियो क्लिप अटैच कर रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं दैट हमने स्क्रू ड्राइवर से पूरी PPF के ऊपर अच्छे से इसके ऊपर निशान मार दिया। एंड निशान मारने के बाद जैसे हम इसके ऊपर आप देखते हैं क्योंकि ये इंडोज है, तो हमने जैसे इसके ऊपर एक हीट गन मारी, सो हीट गन मारते आप देखेंगे धीरे धीरे सबका इफेक्ट खत्म होता जा रहा है। एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स या फिर कह सकते हैं विद इन अ फ्यू मिनट्स सारा का सारा बिल्कुल क्लियर आउट होकर आपको बिल्कुल प्लेन सर्फिस मिल जाती है। सो यही फ़ायदा होता है PPF लगाने का, क्योंकि जितनी भी हमारी प्रीमियम जर्मन कार्स है इनका पेंट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है,
सो इसमें जब हम पेंट प्रोटेक्शन फिल्म अप्लाई करते हैं सो वी मेक श्योर कि कार का ग्लॉस भी हमारा मेंटेन रहता है, प्लस हमारा पेंट भी स्पॉइल नहीं होता, प्लस जितने भी एक्सीडेंटल स्क्रैचेस डैमेजेस है वो भी सारा पीपीएफ एब्जॉर्ब कर लेती है एंड हमारा ओरिजिनल पेंट कहीं से भी डैमेज नहीं होता। सो गाइस दिस इज ऑल जो कि इस काम आज कार के अंदर हमने कैरी आउट किया है। ऑडियो अपग्रेड्स तो हमारे चैनल पे ऑफ एंड ऑन देखते ही रहते हैं, आपको देखने को मिलते हैं, बट इंटीरियर अपग्रेड्स इज ऑल्सो समथिंग इन विच वी स्पेशलाइज इन। एंड अगर आपके पास किसी भी तरह की कोई जर्मन कार है, कोई भी कार आपके पास है, यूरोपियन कार है, सो उसके अंदर इफ यू वांट अ प्रीमियम इंटीरियर, जैसा अभी आपने देखा इसमें हमने सिर्फ सीट कवर्स इंस्टॉल करें। अब कई कस्टमर्स की डिमांड होती है उन्हें डैशबोर्ड का कलर भी चेंज करना है या फिर इसके अंदर लेदर कोटिंग करनी है, हाइड्रो डिपिंग करनी है, लाइक देयर आर मेनी इंटीरियर कस्टमाइजेशन ऑप्शंस। वंस हम इंटीरियर डिजाइन करते हैं इट इज जस्ट लाइक होम इंटीरियर डिजाइनिंग, जैसे हम अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करते हैं सो एक पर्सनलाइज चॉइस के हिसाब से हम अपनी कार का इंटीरियर भी डिजाइन कर सकते हैं सेम वे। सो अगर आप सबके पास भी ऐसी कोई कार है जिसके अंदर आप इंटीरियर अपग्रेड प्लान कर रहे हैं या फिर आप ऑडियो अपग्रेड प्लान कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह की आपकी कोई कार एक्सेसरीज की रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस वी आर मोस्ट वेलकम टू विजिट अस। जो शोरूम की एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अलॉन्ग विद गूगल मैप्स लिंक, जिसको क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारे शोरूम तक नेविगेट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इफ यू वॉन्ट टू स्टे अपडेटेड विद अवर डेली अपडेट्स देन यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। जो इंस्टाग्राम पेज का यूजर हैंडल है वो नीचे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, सो यू कैन गो एंड फॉलो अस देयर। ऑल्सो इफ यू गाइज हैव एनी फीडबैक रिलेटेड टू अवर वर्क यू कैन लीव इट इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो बिकॉज योर फीडबैक इज रियली वेरी वैल्यूएबल टू अस। दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड फॉर ऑल द अपकमिंग फ्यूचर वीडियोज। दिस इज मी राहुल साइनिंग ऑफ फॉर द डे, थैंक यू।